मूवी की शुरुआत में मारिया नाम के एक लड़की को दिखाते हैं जो इस मूवी की हीरोइन है। वो अपने पापा का अंतिम संस्कार पूरा कर रही होती है। उसके पापा एक कर्नल थे। मारिया के साथ उसके केयर टेकर भी होती है जो बचपन से उसकी देखभाल कर रही होती है। मारिया के पापा पर भारी कर्ज का बोझ था और उसे चुकाने के लिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद बेच दी थी। अब मारिया के पास जायदाद के नाम पर सिर्फ एक किताब होती है जो उसके पापा उसके लिए छोड़ गए थे। उस किताब का नाम है द एंसेंट क्रॉनिकल्स ऑफ मून क्रे वैली। कट करके दिखाते हैं कि रात को मारिया अपने पापा के बारे में सोच रही होती है। तब वो उस किताब को पढ़ने लगती है। उस किताब में 100 साल पहले की एक राजकुमारी की कहानी होती है। कट करके दिखाते हैं कि उस कहानी की राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत थी और उसका चेहरा सितारों की तरह चमकता था। उसका मन बहते पानी की तरह साफ था। इतना ही नहीं, वो बहुत ही हिम्मत वाली थी। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी उससे बहुत ही प्रेम करते थे। और इतनी प्यारी लड़की को एक दिन चांद मिलने आता है और अपने कुछ मोती उसे दे देता है। वो डिनोयर वंश की प्रिंसेस थी, लेकिन उस दिन के बाद सब उसे मून प्रिंसेस कहकर पुकारने लगते थे। कट करके दिखाते हैं कि कहानी की प्रिंसेस को एक लड़के से प्यार हो जाता है और उन दोनों की शादी होने वाली होती है। प्रिंसेस के पिता उस शादी पर एक काला शेर तोहफे में देते हैं और उसका मंगेतर भी उसे एक व्हाइट यूनिकॉर्न गिफ्ट करता है। ये सब देखकर प्रिंसेस बहुत ही खुश होती है और वहाँ सबके सामने चांद की दीवी मोतियों की माला निकालती है और उसे दिखाकर कहती है कि इन मोतियों की मदद से मैं पता लगा सकती हूँ कि कौन क्या सोच रहा है। इतना ही नहीं, इसे हाथ में रखकर आप जो भी दिल में सोचोगे अच्छा या बुरा वही होगा। इस तरह वो मोतियों के बारे में एक्सप्लेन करती है। कट करके दिखाते हैं कि मारिया वो कहानी अधूरी छोड़कर किताब बंद कर देती है। अब दिखाते हैं कि मारिया और उसकी केयर टेकर उसके पापा के पैलेस को छोड़कर मारिया के अंकल के पास जाने का फैसला करते हैं जो कि मूनक्रे नाम की वैली में रहता है। वे अपना सामान बांधकर मूनक्रे के लिए निकलते हैं। रास्ते में कुछ डाकू ने रोकते हैं और मारिया को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। उनसे बहुत मुश्किल से बचकर वे दोनों एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं। फिर वे मूनक्रे पहुंच जाते हैं। कुछ ही दूर एक बहुत बड़ा पैलेस होता है और यही है मारिया के अंकल बेंजामिन का पैलेस। मारिया और केयर टेकर गाड़ी से उतरती हैं और तभी बेंजामिन वहां आता है। मारिया पहली बार अपने अंकल से मिल रही होती है। केयर टेकर उसे रास्ते में हुई घटना के बारे में बताती है, पर बेंजामिन उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और दोनों को पैलेस के अंदर आने को कहता है। कट करके दिखाते हैं कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा काला कुत्ता होता है और बहुत ही डरावना दिखता है। बेंजामिन कहता है ये बहुत ही ताकतवर है और एक ही मिनट में एक आदमी को खत्म कर सकता है। इस तरह कुत्ते का इंट्रोडक्शन करने के बाद वो केयर टेकर को उसका कमरा दिखाता है। फिर वो मारिया को दूसरा कमरा दिखाता है। मारिया को उसका अंकल अच्छा नहीं लगता, पर जब वो कमरे के अंदर जाती है तो देखती है उसका कमरा शानदार पेंटिंग से भरा होता है। इतना ही नहीं, कमरे की सीलिंग बिल्कुल रात के आसमान की तरह होती है और तारों से सजी भी होती है। वहाँ एक छोटा सा फायरप्लेस भी होता है और ये सब देखकर मारिया बहुत ही खुश हो जाती है और वहाँ मजे कर रही होती है। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन मारिया उसी किताब को लेकर बाहर आती है। बेंजामिन उसकी किताब छीन लेता है। फिर मारिया उससे किताब मांगती है और कहती है आप इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। बिना जवाब दिए वो किताब ले लेता है और अपनी लाइब्रेरी में रख लेता है और ये देखकर मारिया को अब उस पर गुस्सा आने लगता है। कट करके दिखाते हैं कि सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब मारिया कहती है आपने मेरे पापा की किताब मुझसे क्यों छीनी, आपका ऐसा करना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। बेंजामिन उसे डांट कर चुप करा देता है। दोनों के बीच आर्गुमेंट को देखकर केयर टेकर किसी तरह उनमें सुलह करवाने की कोशिश करती है, पर बेंजामिन उसे भी बोलने नहीं देता और कहता है खाते वक्त बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आप भी बोलना बंद कीजिए और चुपचाप खाना खाइए। और मारिया तुम्हारे पिता एक डरपोक आदमी था, दुनिया भर से कर्ज लिया और तुम्हें भी कर्ज में डुबोकर वो चल बसा। अपने पिता के बारे में बुरा सुनकर वो चिल्लाती है कि मेरे पिता ऐसे नहीं थे, समझे आप, उनके बारे में इस तरह आपको बोलने का कोई हक नहीं है। इस तरह उन दोनों में फिर से आर्गुमेंट होने लगती है। कट करके दिखाते हैं कि कुछ समय बाद सब कुछ जरा नॉर्मल होने लगता है और तभी बेंजामिन मारिया और केयर टेकर को अपना पैलेस दिखाता है। तब वो कहता है रास्ते में तुम्हें जिन लोगों ने अटैक किया था वे डिनोयर वंश के लोग हैं, यानी वे हमारे दुश्मन देश को बिलोंग करते हैं, वे तुम्हें भी अटैक कर सकते हैं, इसीलिए तुम पास के जंगलों की ओर कभी भी मत जाना। कट करके दिखाते हैं कि शाम को वो मारिया को घोड़े पर बिठाकर मार्केट ले जाता है। शुरू में मारिया को सब बहुत नया लगता है, पर वो जल्दी वहाँ के रहन सहन को सीख लेती है, इसलिए बेंजामिन मारिया को अकेले ही राज्य की सैर करवाने की परमिशन दे देता है। वो शायद भूल गया था कि डिनोयर वालों को मारिया की जान को खतरा है। मारिया सभी जगह घूमकर उस जंगल की तरफ जाती है, तभी उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। पास जाकर वो देखती है कि एक खरगोश पिंजरे में बंद किया होता है और उसे चोट लगी होती है, वो दर्द से तड़प रहा होता है। वो उसे हाथ में उठा लेती है, तभी डिनोयर वंश का एक आदमी उसे अटैक करने की कोशिश करता है।
उसका नाम रॉबिन है। तभी अचानक बेंजामिन का वही काला कुत्ता रॉबिन पर झपटता है और उसे देखते ही रॉबिन और उसके आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि रॉबिन जाकर अपने पिता को इस बारे में बताता है और उसे भी जंगल में ले आता है, पर तब तक मारिया वहाँ से जा चुकी होती है। अब दिखाते हैं कि खरगोश को मारिया अपने कमरे में लेके आती है, फिर वो खिड़की से देखती है कि व्हाइट यूनिकॉर्न पहना हुआ रूप वहाँ भाग रहा होता है। उसके बारे में सोचती भी वो बिस्तर पर लेट जाती है। तभी सीलिंग पर जो तारे पेंट किए गए थे वो धीरे धीरे हिलने लगते हैं, उसे अब बहुत ही अजीब लगने लगता है। कट करके दिखाते हैं कि वे अगले दिन बेंजामिन को इन घटनाओं के बारे में बता रही होती है, पर उसकी बात को टालकर वहाँ से वो चला जाता है। फिर उसका काला कुत्ता मारिया को किचन की ओर लेके जाता है। रास्ते में एक बड़ा आईना होता है जिसमें उस कुत्ते की बजाय एक बहुत बड़े काले शेर की परछाई दिखा देती है। मारिया किचन में जाती है और पैलेस के शेफ से मिलती है। वो उसे बताती है कि उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। उसकी सारी बातें सुनकर शेफ हैरान होता है और कहता है तुम उस किताब को पूरा पढ़ो, तभी तुम्हें इन घटनाओं की सारी सच्चाई पता चलेगी। फिर मारिया लाइब्रेरी में जाती है और शेफ की मदद से वो किताब ढूंढ निकालती है और फिर वो आगे की कहानी पढ़ना शुरू करती है। कट करके दिखाते हैं कि कहानी में मून प्रिंसेस की शादी का दिन होता है, जब उसे उसके पिता और मंगेतर कई गिफ्ट देते हैं। वो सबको चांद की मोतियों के बारे में बता रही होती है, तब उसका मंगेतर और पिता दोनों उस नेकलेस के लिए लड़ पड़ते हैं और दोनों का ये असली रूप देखकर प्रिंसेस बहुत दुखी होती है और सभी को श्राप देती है कि आज से 5000 पूर्णमासियों के अंदर तुम दोनों के वंशजों को एक पवित्र आत्मा को खोजना होगा। अगर उस आत्मा ने ये नेकलेस चांद को लौटा दिया तो मूनक्रे वैली के लोग सब बच जाएंगे, अगर ऐसा नहीं किया तो ये मूनक्रे वैली के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। उस दिन से प्रिंसेस के पिता के वंशज और उस मंगेतर के वंशज आपस में लड़ रहे होते हैं और इसी के साथ किताब की ये कहानी भी खत्म होती है। कट करके दिखाते हैं कि मारिया शेफ से कहती है मैंने वो कहानी पढ़ ली है। शेफ कहता है कि एक पवित्र आत्मा ही इस श्राप से मूनक्रे को बचा सकती है। तुम्हें कई अजीब चीजें दिखाई पड़ रही हैं। मुझे तो लगता है कि तुम ही अगली मून प्रिंसेस हो और तुम्हें ही वो मोतियों वाला नेकलेस ढूंढना है और उसे चांद को लौटाना है। तुम ही वो पवित्र आत्मा हो जो इन दोनों वंशजों की लड़ाई को रोक सकती हो और मूनक्रे को उस प्रिंसेस के श्राप से बचा सकती हो। कट करके दिखाते हैं कि मारिया अपने कमरे में शेफ की बातों के बारे में सोच रही होती है। फिर वो किताब की कहानी में दिए गए समय को लेकर कैलकुलेट करती है कि अगली पूर्णमासी ही आखिरी पूर्णमासी है, उससे पहले उसे वो नेकलेस ढूंढना होगा वरना मूनक्रे वैली का विनाश हो जाएगा। वो सोचने की कोशिश करती है पर घबराहट की वजह से उसे नींद नहीं आती। अब वो फैसला करती है कि मूनक्रे को किसी भी कीमत पर मैं बचा कर रहूंगी। सूरज की पहली किरण के साथ वो पहले से बाहर चली जाती है। कट करके दिखाते हैं कि वो पास में एक एस्टेट की ओर जाती है। उसे लगता है कि वहीं प्रॉब्लम का सलूशन होगा। वो जंगल के रास्ते जा रही होती है तभी उसे एक गुफा दिखती है और वो उसके अंदर जाती है। अंदर वो वहाँ एक औरत से मिलती है जो देखने में बिल्कुल उस किताब की मून प्रिंसेस जैसी लगती है। मारिया चौंक जाती है। वो औरत कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक मून प्रिंसेस हूँ। उन दोनों पवित्र आत्माओं को एक करने की कोशिश में मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, पर मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही। उसकी परेशानी देखकर मारिया कहती है बेंजामिन मेरे अंकल हैं, वो जरूर इस मामले में मदद करेंगे। शांत दिखने वाली वो औरत बेंजामिन का नाम सुनते ही चिढ़ जाती है और कहती है उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। उसके बाद मारिया को पता चलता है कि डिनोयर फैमिली ने नेकलेस वाला बॉक्स चुराया था और उस बॉक्स की चाबी उसकी फैमिली ने चुराई थी। तभी मारिया को अपनी किताब का बुकमार्क याद आता है और वही बुकमार्क नेकलेस बॉक्स की चाबी भी होती है। वो तुरंत चाबी निकालती है और डिनोयर के राज्य के अंदर जाना चाहती है। वो उस प्रिंसेस से मदद मांगती है और प्रिंसेस भी उसका साथ देने चलती है। कुछ दूर पर वो रुक जाती है और मारिया को डिनोयर का किला दिखाती है और वहाँ से आगे जाने को मना करती है और वहाँ से भाग जाती है। मारिया को उसकी ये हरकत बड़ी अजीब लगती है, पर वो अपने फैसले पर अटल होती है और किले के अंदर चली जाती है। अब दिखाते हैं कि वहाँ के सिपाही उसे डिनोयर के सरदार के पास खींच कर लेके जाते हैं। सरदार को देखते ही मारिया उसे चाबी पकड़ा देती है। उसका ये स्वभाव देखकर सरदार तो बिल्कुल हैरानी हो जाता है। वो चाबी लेकर उस नेकलेस बॉक्स को खोलता है, पर बॉक्स के अंदर नेकलेस तो क्या, लेस भी नहीं होता। डिनोयर खानदान के लोग इस खाली बॉक्स के लिए लड़ मरे। ये सोचकर सरदार को बेंजामिन के खानदान पर और भी गुस्सा आता है और गुस्से में वो मारिया को कारागार में बंद कर देता है। कट करके दिखाते हैं कि बेंजामिन मारिया को हर जगह ढूंढ रहा होता है पर वो कहीं नहीं मिलती। उसे शक होता है कि दुश्मनों ने उसे कहीं उठा तो नहीं लिया। अब कट करके दिखाते हैं कि मारिया गार्ड को किसी तरह चकमा देकर वहाँ से बच निकलती है, पर सरदार का बेटा रॉबिन उसे देख लेता है और उसे चेज करता है। पर मारिया बहुत ही हिम्मत वाली लड़की होती है और वो तेज भागकर जंगल की ओर चलने लगती है। वहाँ बेंजामिन का काला कुत्ता उसे देख लेता है और उसे सुरक्षित घर पहुँचा देता है। कट करके दिखाते हैं कि मारिया को देखते ही बेंजामिन चिल्लाने लगता है आज से तुम इस पैलेस के बाहर कदम भी नहीं रखोगी, समझी? अगर बाहर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। उसकी डांट सुनकर मारिया घबरा जाती है और चुपचाप अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद बेंजामिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सच्चे दिल से मारिया से माफी भी मांगने लगता है। कट करके दिखाते हैं कि अगली सुबह वो गुफा वाली मून प्रिंसेस मारिया के कमरे में होती है।
मारिया चौंक जाती है और गुस्से में उससे पूछती है, आप मुझे उस किले के पास अकेला छोड़कर क्यों भाग गई थी? पर वो जवाब नहीं देती और मारिया को मून प्रिंसेस का ड्रेस देती है। फिर वो किसी तरह मारिया को मना लेती है। उस वक्त बेंजामिन पैलेस में नहीं होता, प्रिंसेस पियानो बजा रही होती है और उसी वक्त वहाँ के आईने में उसके जीवन की सारी घटनाएं विजुअल में दिखने लगती है। मारिया भी विजुअल देख रही होती है। उसे पता चलता है कि ये प्रिंसेस बेंजामिन की प्रेमिका है। अब दिखाते हैं कि दोनों के एंगेजमेंट के बाद बेंजामिन को पता चलता है कि ये मून प्रिंसेस डिनोयर खानदान की लड़की है। और इतना ही नहीं, वो डिनोयर के सरदार की बेटी है। ये जानने के बाद वो प्रिंसेस से शादी नहीं करना चाहता और उसे अपने पैलेस से निकाल देता है। इसीलिए प्रिंसेस दोनों खानदानों से दूर जाकर एक जंगल में गुफा में रहने लगती है। फिर दिखाते हैं कि फ्लैशबैक देखने के बाद मारिया प्रिंसेस से कहती है, आप बेंजामिन अंकल से फिर से मिलकर बात करने की कोशिश क्यों नहीं करती? पर प्रिंसेस मना करती हुई कहती है, अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। ये कहकर वो बाहर चली जाती है। तभी मारिया देखती है कि बेंजामिन के नौकर मून प्रिंसेस की पेंटिंग को दीवार से हटा रहे होते हैं। वो तुरंत शेफ को बुलाती है और उसे भी ये दृश्य दिखाती है। तभी अचानक पेंटिंग में प्रिंसेस हिलने लगती है और उस नेकलेस का रहस्य मारिया को बताने लगती है। इस पर शेफ कहता है कि रॉबिन ही तुम्हें उस नेकलेस तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वह उस जंगल के हर पेड़ को अच्छी तरह जानता है। मारिया पूछती है, रॉबिन तो हमारा दुश्मन है, वो हमारी मदद क्यों करेगा? पर सभी यही एडवाइस कर रहे होते हैं कि रॉबिन की मदद लेनी चाहिए। मारिया मान जाती है, पर डिनोयर के पास जाने से पहले वो बेंजामिन और मून प्रिंसेस दोनों को एक खत लिखती है और किसी तरह उन दोनों को मिलवाने की प्लानिंग बनाती है। बहुत साल बाद दोनों मिल रहे होते हैं और वे एक बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने एक दूसरे को खत लिखा ही नहीं, लवर्स को मिलवाने के लिए मारिया ने ये सारा ड्रामा किया होता है। अब उन दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। बेंजामिन को पता चलता है कि मारिया फिर से गायब है और वो अपने आदमियों को लेकर उसे ढूंढने निकलता है। कट करके दिखाते हैं कि वे जंगल में उसे ढूंढ रहे होते हैं। मून प्रिंसेस भी उसके साथ होती है। अब दिखाते हैं कि रॉबिन का पिता ईगल की मदद से मारिया को ट्रैक कर रहा होता है। देखा आपने उस जमाने का GPS। अब वो मारिया को खत्म करने के लिए अपने आदमियों के साथ निकलता है। कट करके दिखाते हैं कि मारिया अपने खरगोश की मदद से रॉबिन को डाइवर्ट करती है और उसे किसी तरह फंदे में फंसा लेती है। रॉबिन उससे विनती करता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। मारिया कहती है, अगर नेकलेस ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। रॉबिन अब मान जाता है। अब दिखाते हैं कि बेंजामिन और मून प्रिंसेस जंगल में भी अपना झगड़ा कंटिन्यू कर रहे होते हैं। कट करके दिखाते हैं कि मारिया और रॉबिन उस नेकलेस को ढूंढने लगते हैं। तभी डिनोइड्स का एक आदमी रॉबिन को किसी तरह मारिया से अलग कर देता है। अब मारिया अकेली उस नेकलेस को ढूंढने लगती है। तभी मून प्रिंसेस का व्हाइट यूनिकॉर्न मारिया को उस पेड़ तक ले जाता है जहां वो नेकलेस रखा होता है। और एन वक्त पर डिनोइड सरदार भी वहां पहुंच जाता है और मारिया को पकड़ने ही वाला होता है। तभी बेंजामिन का कुत्ता उसे अटैक करने की कोशिश करता है, पर इतने में सरदार उस कुत्ते को मार गिराता है। रॉबिन को मारिया की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत वहां पहुंचकर मारिया को अपने पिता से बचाता है। फिर वो मारिया को लेकर दूसरी ओर भागता है और सब उन्हें चेस कर रहे होते हैं। उनसे बचने के लिए भी दोनों एक बड़े पेड़ के अंदर चले जाते हैं जहां एक गुफा होती है और गुफा के अंदर मारिया की नजर उस नेकलेस पर पड़ती है। इतने में डिनोयर के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। अब मारिया और रॉबिन व्हाइट यूनिकॉर्न के पीछे भागते हुए एक सीक्रेट टनल से बाहर निकलते हैं। वहां एक समुद्र होता है। अब वहाँ डिनोयर खानदान के सरदार बेंजामिन और दोनों के आदमी जमा होते हैं। उस रात पूर्णमासी भी होती है। पहली मून प्रिंसेस के शाप के अनुसार अगर एक पवित्र आत्मा ने आज के दिन वो नेकलेस चांद को नहीं लौटाया तो मून के अंधेरे में डूब जाएगा। और अब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। तभी सरदार मारिया से नेकलेस चुराने की कोशिश करता है, पर प्रिंसेस अपने पिता को रोकती है और समझाती है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मारिया भी अपने अंकल से कहती है कि आप दोनों इस लड़ाई को खत्म कीजिए और इस नेकलेस को समुद्र में डालने की परमिशन दीजिए, पर कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता। इसीलिए वो खुद ही नेकलेस समुद्र में फेंक देती है, पर समुद्र उसे स्वीकार नहीं करता और नेकलेस मारिया को लौटा देता है। फिर वो नेकलेस की मोतियों को अलग करती है और सारे मोती उसकी ड्रेस पर चिपक जाते हैं। अब मारिया सोचती है, मुझे किसी तरह इन मोतियों को समुद्र को सौंपना ही पड़ेगा, और खुद ही समुद्र में कूद जाती है। कट करके दिखाते हैं कि वो समुद्र की गहराइयों में पहुंचकर बेहोश हो जाती है। अब दिखाते हैं कि बाहर एक बहुत बड़ी लहर उड़ती है और उस लहर के बीच एक व्हाइट यूनिकॉर्न निकलता है जिसकी पीठ पर सवार होकर मारिया बाहर निकलती है। उसी वक्त बेंजामिन का कुत्ता भी शाप से मुक्त होकर एक काला शेर बन जाता है। फिर बेंजामिन और गुफा वाली मून प्रिंसेस में सुलह हो जाती है। अब इन दोनों खानदानों के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। मून क्रे वैली पूरी तरह से शाप मुक्त हो जाती है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। मारिया और रॉबिन का प्रेम भी शुरू हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।